हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब करने के लिए जीडी की पोस्ट के ऊपर, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक जीडी की वैकेंसी आई है। पोस्ट नेम पहले ही बता दिया, नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी। अब देख लेते हैं कितना पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रहने वाला है। चलिए कैटेगरी वाइज पहले देख लेते हैं। जनरल के लिए 102, ओबीसी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, एससी के लिए 47 एंड एसटी का 28 सीट रहेगा। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो 269 सीट्स के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। अप्लाई की जो डेट है आपका 13 फरवरी से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 27 फरवरी है। तो आपको 27 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, 13 से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 300 रुपीज लिया जाएगा, वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाएगा। रही बात की एज की लिमिट क्या है, तो 18 से 22 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर डेट भी ऑफिशियली मेंशन किया गया है, बॉन्ड बिटवीन 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006, मतलब कि 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में जिनका भी बर्थ है सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का। आई होप कि एज वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिंपली जिन्होंने 10+2 पास किया है उनका मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर में मैथ और फिजिक्स, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो आपका सिलेक्शन 4 स्टेज पे डिपेंडेबल है। पहला पर होगा सेक्शन 1 एग्जाम, देन सेक्शन 2 एग्जाम, थर्ड पे फिजिकल एंड डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है और एग्जाम जो होता है ना फ्रेंड्स वो आपका ऑनलाइन होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। सेक्शन 1 में आपका 60 क्वेश्चंस होगा, 60 मार्क्स के लिए, टाइम आपका 45 मिनट्स मतलब 45 मिनट का रहेगा एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। और एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अप्रैल का आपका मिड अप्रैल से एंड तक आपका ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज देखें तो 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा, मैथ से 20 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस यानी विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 15 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज योर ओवरऑल सेक्शन 1। और देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों ही है, लेकिन दोनों एकदम कंपल्सरी है कि आप क्वालिफाई मिनिमम मार्क्स लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए इसको क्वालिफाई करेंगे तो सेक्शन 2 का एग्जाम होगा जो कि मई के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, मिड मई टू आपका एंड ऑफ मई के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। इसमें आपका 50 प्रश्न है, 50 नंबर के लिए, समय 30 मिनट यानी आधा घंटा का और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ और फिजिक्स दोनों से 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्वालिफाई करेंगे देन आपका फिजिकल और डीवी होगा। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं सेक्शन वाइज क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहेगा। देखिए सेक्शन 1 में यहाँ देख सकते हैं 60 नंबर का है, जिसमें से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 30 नंबर लाना है, एससी एसटी को मिनिमम 27 नंबर लाना है। सेक्शन 2 जो कि 50 नंबर का होता है उसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं और एससी एसटी को मिनिमम 17 नंबर लाना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही क्वालिफाइंग है, दोनों कंपलसरी है, तो मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेशन 1 में 30 नंबर,
सेशन टू में 20 नंबर, मिनिमम आपका 50 नंबर आना चाहिए तभी क्वालिफाई रहोगे आप। एससी एसटी का सेशन वन का 27 नंबर, सेशन टू का 17 नंबर, 44 मार्क्स जो मिनिमम लाएंगे एससी एसटी कैंडिडेट वो सब यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब आप जान गए कि ये क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद सेशन टू क्वालिफाई होगा, तब आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मिनिमम आपका जो हाइट है ना वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आपका होता है स्क्वाट टप्स, मतलब उठक बैठक 10 लगाना है, पुशअप्स 10 लगाना है, उसके बाद रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की एंड 7 मिनट में उसको कंप्लीट करना होता है। तो इस सब को कंप्लीट करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये जब आप कर लोगे कंप्लीट, फिजिकल भी निकाल लिए हो, तब आपको ट्रेनिंग की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो वहां पर ये डेट भी दे दिया गया कि जो आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो सितंबर 2024 में सभी को कॉल लेटर जाएगा, उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा कॉल लेटर जाएगा, सभी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, मतलब आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी किया जाता है, आप समझो आप जॉब पर है, सैलरी भी मिलती है। और इसका जो ट्रेनिंग होता है INS चिल्का के ऊपर होता है, उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या सैलरी से शुरुआत होगी। स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है 21,700 और उसके बाद जब हर साल इंक्रीमेंट होता है, इसमें प्रमोशन वगैरह भी होते हैं, तब आपकी सैलरी 50,000 के करीब हो जाती है। सो दिस इज ओवरऑल कंप्लीट डिटेल अबाउट इंडियन नेवी GD रिक्रूटमेंट 2024। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है, मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप आके बताओ, मैं वहां पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं पोस्ट करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।